Thank you. मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी. Thank you to Southern Gujarat Chamber of Commerce, Southern Gujarat University, and all of you, सब लोग जो इधर आए हैं. Thank you कि आप आके और मेरी सुन रहे हैं. मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगी क्योंकि ऐसे नहीं कि प्रेजेंटेशन में ज्यादा डेटा है पर उसमें फोटोज है. कुछ फोटोज तो ऑलरेडी आपने देख चुके हैं बट शायद कॉन्टेक्स्ट में अभी होंगे. तो आवाज फाउंडेशन 2006 में रजिस्टर हुई बट मैं उसके करीब 8-10 साल पहले से ही काम कर रही थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे कुछ ऐसे काम करना था जो जिसमें बच्चों को निग्लेक्ट नहीं हो, तो मैं घर से कर सकूं, मेरे खुद के आवाज कर सकूं और पैसे की जरूरत ज्यादा मुझे नहीं थी कि मुझे पैसे भी कमाना है. मुझे बस कुछ करना था जो कि यूजफुल हो. तो मैंने काम शुरू किया क्योंकि मेरे एक घर था दरिया किनारे पे और वहाँ कुछ मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट आके रास्ता बंद कर दिए और मुझे ये हुआ कि मैं उनके जो फिशरमैन उनकी फिशिंग जगह पे पहुंच नहीं सकते थे तो आके मुझे मिले और बोले हमारी मदद करो. तो मुझे तो कुछ आता नहीं था कि कैसे मदद करूं बट कोशिश करने से सीख जाता है कि कैसे करना. तो पहले तो ये करने के बाद थोड़े दिन के बाद मुझे ये लगा कि मैं और कुछ करूं मुंबई में क्योंकि मेरे बच्चे मुंबई में हैं और मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकूंगी. तो फिर मैंने कहा क्या करूं, तो बोले नॉइस पोल्यूशन, कोई मेरे एक पहचान का नॉइस पोल्यूशन में काम कर रहा था तो मैंने कहा मैं हफ्ते में 2 घंटे वॉलंटियर करूंगी आपके साथ और मैं आपकी टाइपिंग कर दूंगी. तो मुझे कुछ आता तो था नहीं बट उन्होंने मुझे पेपर्स दिए, मैंने पढ़ा और मुझे कुछ ज्यादा वो नहीं था कि मैं नॉइस पोल्यूशन ही करूं बट जब हम कोर्ट में गए और केस फाइल किए और मुझे समझ पड़ी कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है तो मेरा कमिटमेंट बढ़ गया जबकि मैंने देखा कि लोग रो रहे हैं फोन पे. तो इससे दूसरी स्लाइड. तो पहले जो नॉइस पोल्यूशन किसी को पता नहीं था, जब मैंने शुरू किया लोग हंसते थे, पुलिस कहते थे आप क्यों इधर आए हैं नॉइस पोल्यूशन की बात करने, हमको जरूरी काम भी करना है जैसे कि मर्डर्स हो, क्राइम हो, ये आप खाली हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बट सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने गया, वो मैं नहीं थी और कोई था इन 2000, और उन्होंने ये केस फाइल किया कि एक 13 साल की लड़की का रेप हुआ और क्योंकि उधर फटाके चल रहे थे किसी ने सुना नहीं उसकी बात. और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको सीरियसली वो केस को सुनने शुरू किए. 2000 में उन्होंने ऑर्डर पास किया कि नॉइज और रिलीजन ये दो चीज अलग होती है. जो नॉइस पोल्यूशन होती है वो उसको रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, कोई भी रिलीजन हो, ये एक मेडिकल इश्यू है और सबके लिए रूल कायदे होने चाहिए. और फिर गवर्नमेंट ने 2000 में नॉइज रूल्स निकाले. 2002 में जब मैंने शुरू किया तो गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया था कि रात के 12 बजे तक नॉइज लाउड स्पीकर काम में ले सकते हैं. और ये जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए नॉइज तो जरूरी है क्योंकि किसी की शादी होती है, किसी का क्या होता है, तो लाउड स्पीकर के बिना ये सब हो नहीं सकता है. तो हमको बस ये लगा कि ये तो होना ही चाहिए, अगर बीमार लोग और बीमार पड़े तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है. ये होते होते आज का दिन मुंबई इज द वर्ल्ड नॉइजीएस्ट सिटी और ये ऑफिशियली कहा गया है. एक बहुत डेंस जगह है, हमारा पॉपुलेशन बहुत डेंस है और इधर लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, मर जाते हैं. मुझे लोगों ने हॉस्पिटल से फोन किया है कहते हुए कि आईसीयू तक में भी शांति नहीं मिलती है और पता नहीं है कि इससे क्या हो रहा है. ये है गणपति के टाइम एक रीडिंग लिया हुआ 123.2 डेसिबल्स, ये 2013 में है बट इस साल उससे बढ़ के 123.7 डेसिबल्स तक चला गया है. और ये हम कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं इसके बारे में क्या है. तो जो शुरू किया मैंने इसीलिए कि लोग फोन करके मुझे बोलते गए कि उनको कितनी तकलीफ होती है और मुझे कुछ नहीं समझ मालूम होते हुए बस मुझे लगा कि इनकी मदद करूं तो इसको लेके और हाईकोर्ट में जाके और इसके बात करना शुरू करूं. तो आस्ते आस्ते कोई लोग थे जो मुझे सपोर्ट दिए, प्रेस में कोई लोग थे जिसने सपोर्ट दिए,
दूसरे लोग थे जो मुझे फोन करके बोलते थे कि हम भी चाहते हैं कि कुछ कर रहे हैं तो कैसे करें. तो ये करते करते थोड़ा थोड़ा करके कोर्ट ने ऑर्डर्स दिया, मीडिया ने रिपोर्ट किया, लोगों ने काम किया. बट आज के दिन तक मैंने एनजीओ तो बना लिया क्योंकि मुझे लगा कि होनी चाहिए. बट आज के दिन तक मेरे पास ना के ऑफिस है ना के कोई भी फंडिंग है, जीरो फंडिंग के साथ ओनली वॉलंटरी वर्क. क्योंकि अगर अगर लोगों को लगे नहीं कि ये बात जरूरी है करना चाहिए तो जीरो फंडिंग के साथ कोई काम नहीं कर सकता है. तो ये जो मैंने कहा कि मीडिया का सपोर्ट है, ये जनवरी इस साल में हिंदू में ये मैंने लिखा था कि ओनली फेस्टिवल नॉइज नहीं है, नॉइज तो सब जगह से है और ज्यादा करके ट्रैफिक से है. तो ये जो हम ट्रैफिक नॉइज को सोचते ही नहीं है और ये लगता है हमको कि ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, इसको हमको जरूर कुछ करना चाहिए. और इसके बाद फिर मुंबई पुलिस ने मुझे अप्रोच किया कि वो भी चाहते हैं कि उसको आगे लेके वो भी उनके साथ बातचीत चालू है. जैसे मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉलो योर पैशन, ये इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और ये मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे इनविटेशन आया था कि टॉक अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक गोल होता है कि ये जो काम करे, एक बिजनेस सेटअप करे और उसमें से पैसे बनाओ, बिकॉज दैट इज द मेजर कि कितने पैसे बने, दैट इज द मेजर ऑफ कितना सक्सेसफुल हुआ बिजनेस. पर जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करता है कि आप काम कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, आपको चलाना है, आपको वो नॉलेज बढ़ाना है, बट उसका मेजर पैसा नहीं होता है, उसका मेजर होता है आपने दूसरों का फायदा कितना किया. तो एक ही चीज होती है, बट ये जो टर्म कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द सेम एज बट डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. दलाई लामा कहते हैं और हर एक कहता है, जो भी रिलीजन हो, जो भी फेथ हो, कि अपने दिलों में शांति होनी चाहिए. अपने दिल में भी शांति होनी चाहिए, आपके आसपास में भी शांति होनी चाहिए. एक अजीब लगता है मुझे कि आजकल जब हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर खोलो सामने एक एडवर्टाइजमेंट होगा, न्यू लग्जरी टावर्स, और उसमें एक फोटो होगा, उधर झाड़ है, उधर नेचर है, उधर चिड़िया गा रहे हैं. बट एक्चुअली ये कुछ लग्जरी हो गई है कि हम चिड़िया गाने सुनाई देवे, और ये नहीं कि खाली सारा टाइम हॉर्न सुनाई देवे कोई भी शहर में. तो ये एक लग्जरी जैसी बेची जा रही है कि जो चीज हमारा हक है कि हम शांति में सो सके, हम बीमार हों तो हम शांति में रिकुपरेट कर सके, हम मेडिटेशन कर सके, हम अपने साथ के लिए, ये एक लग्जरी हो गई है. हमने पहला नो हॉर्न डे किया था मुंबई पुलिस के साथ इन 2008. ये पहली बार इन एशिया हुआ था एक नो हॉर्न डे. उसके बाद अलग दूसरे शहरों में हो चुका है, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर, अलग अलग शहरों ने नो हॉर्न डे किया है और इससे काफी अवेयरनेस बढ़ चुका है. आप ये देख रहे हैं एक पोस्टर बनाया हुआ, जो कि आप देखते हैं कि काफी प्रोफेशनल पोस्टर है. अभी मेरा कोई एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड है नहीं और मैं बना भी नहीं सकती हूँ ऐसे क्वालिटी का पोस्टर. पर जैसे मैंने कहा कि लोग जुड़ जाते हैं, वॉलंटियर करते हैं, और मैंने ये देखा है कि हर एक इंसान में ये होता है कि हम गिव बैक करें सोसाइटी को. बट एक तरीका होता है गिव बैक करना कि आप किसी को पैसे दे दो, दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दे दो. तो अगर कोई एडवर्टाइजिंग वाला आके मुझे कहे कि हम कर देते हैं ये, एंड आई हैव बीन वेरी वेरी लकी, क्योंकि मेरा हर कोई जो भी मुझे जरूरत है एडवर्टाइजिंग मटेरियल, कैसे उसको डिजाइन करना, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना, ये सब मेरे लिए फ्री हो जाता है. तो हम बैठ के बात करते हैं और वो मेरे लिए करते हैं. दे आर अवार्ड विनिंग एडवर्टाइजमेंट पीपल. मेरे साथ जो इंडिया में बेस्ट लॉयर्स हैं, मैं उनको कभी आज तक कोई भी वकील को पैसे नहीं दी हूँ. इनफैक्ट वो मेरे एक्सपेंसेस उनके पॉकेट से देते हैं. तो ये मेरे लिए एक चीज है जो कि आई एम वेरी लकी, एंड आई थिंक कि वो मुझे भी एक चेक में रखते हैं कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी, अगर मैं कुछ काम करूंगी विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये लोग मेरे लिए नहीं करेंगे, बिकॉज उनको उससे कुछ नहीं मिल रहा है. तो मैं आई डोंट कलेक्ट मनी, I don't use money, and I don't have the ability to misuse money because I don't have it.
तो ये आप देखेंगे कि हम समझते हैं कि कोई भी शोर वाला इवेंट हो, फायर क्रैकर्स हैं, बट आप कोई भी बच्चे को लेके जाएंगे उधर, आप देखेंगे उनका क्या रिएक्शन है. अभी माँ सोचती है कि वो अच्छा कर रही, उनको एक जगह में ले जा रही जहाँ दूसरे लोग हैं, बट अगर कोई माँ को पता चलेगा कि उनके खुद के बच्चों को अपने हाथों से आप हियरिंग डैमेज कर रहे हैं, कौन सी माँ लेके जाएगी. तो मेरा ये कहना है कि जब हम सुनते हैं गवर्नमेंट से या किसी से भी कि थोड़ी देर के बाद है, या कि आप ये समझ समझो कि कुछ भी इससे नुकसान होगा, तो मेरा यह कहना है कि यही गवर्नमेंट है जिसका हक है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारा हेल्थ संभालिए. आप हमको ये मत समझाओ कि थोड़े टाइम के लिए ठीक है. आप हमको ये समझाओ अगर हमको नहीं पता है कि ये नहीं ठीक है और आपको नहीं करना चाहिए. अगर कोई उसमें से पैसे बना रहा है एट द कॉस्ट ऑफ somebody else's हेल्थ, या पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहा है एट द कॉस्ट ऑफ somebody's हेल्थ, तो आई थिंक कि somebody's हेल्थ इज फर्स्ट. और पहले somebody else's हेल्थ नहीं होती है, पहले अपना हेल्थ होता है, क्योंकि जो वो फटाका बजा रहा है वो फटाके के सबसे नजदीक है, और जो ढोल बजा रहा है वो ढोल के सबसे नजदीक है. और कोई डॉक्टर्स ने टेस्टिंग किया है, उनको हमको ये बताया है कि जो ढोल बजाता है वो वाइब्रेशन अपने पूरे बॉडी में जाता है, एंड इट अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर लिवर, योर हार्ट, योर ब्रेन. उससे कैंसर होता है, उससे हार्ट डिजीज होता है, और हमको पता ही नहीं. कंस्ट्रक्शन नॉइज एक दूसरी नॉइज है जो कि हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. अलग जात के मशीन्स होते हैं, अलग जात की कंस्ट्रक्शन होती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल के दिन से शुरू करो, सब कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, बट डेफिनेटली अगर बिल्डर्स के हाथ में प्रॉफिट्स हैं तो कुछ प्रॉफिट्स उन्होंने ये इसमें भी ले सकते हैं कि वो नॉइज बैरियर्स बनावे, कुछ कॉस्टिंग करे कि वो कैसे जात से कंस्ट्रक्शन करना जो लोगों दूसरों के लोगों को तकलीफ नहीं होती है. मुंबई में इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहाँ के नॉइज बैरियर्स बने हुए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इसको देखना चाहिए, और गवर्नमेंट ने एक बहुत पॉजिटिव जात से, उनको थोड़ा वक्त लगा समझने में, पर जब उन्होंने समझा तो एक बहुत पॉजिटिव जात से लिया. ये पहला नॉइज बैरियर है इन द कंट्री इन बॉम्बे कुर्ला, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन बॉम्बे, और इसको मैंने माप किया, करीब 15 डेसिबल का ड्रॉप है बिफोर द बैरियर एंड आफ्टर द बैरियर. लोग कहते हैं जो कि किचन में खड़े रह के बात भी नहीं कर सकते थे, टीवी नहीं सुन सकते थे, फोन पे नहीं बात कर सकते थे, वो अभी शांति से रह रहे हैं. और अभी इसके बाद बॉम्बे की म्यूनिसिपैलिटी ने जो नया DCR है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, उसमें ये कहा है कि जहां भी नया फ्लाईओवर बनेगा या कि नॉइज ज्यादा होगी ट्रैफिक की, वहां उन लोग ने मैंडेटरी ऐसे नॉइज बैरियर बनाएंगे. इसके बाद 3-4 और भी बना चुके हैं. ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 1930 में था, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ये मेरी ग्रैंड मदर है, शी इज लीडिंग अ मूवमेंट बिकॉज हर मदर वॉज जेल्ड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. और लोग रस्ते पे आते थे, उनमें सब लोग थे. मेरे जो अंकल थे वो गांधी जी के सॉल्ट मार्च लीड किए थे आफ्टर गांधी जी वॉज जेल्ड. This is social entrepreneurship in the 1930, and it's continuing today. Mere jo family thi, it was very much part of the freedom movement. Aaj ka social entrepreneurship kuch bhi badla nahi hai. Ye bache hain, raste pe hain, aur wo message waise hi de rahe hain. Aur ye noise pollution ka message hai, and these are underprivileged children. To kuch bhi nahi badla hai. Ek zaat se aap bole social media hai, computers hai, bahut kuch badla hai. Dusre zaat se kuch bhi nahi badla hai. ये वॉइस अगेंस्ट नॉइज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन किया, और उन्होंने एक साइन करके हमें दिया कि आई विल पर्सनली टेक इंटरेस्ट इन कर्बिंग नॉइज पोल्यूशन. फिर हमको ये लगा कि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता नहीं है कि एनवायरनमेंट एक हमसे अलग चीज होती है. कभी कभी लोगों को ये लगता है, बट जब लोगों को पता चलेगा कि ये एक सीरियस हेल्थ इश्यू है तो बात ही बदल जाती है. और हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पार्टनर किया, हमने ये गेट वेल सून मुंबई का एक कैंपेन लॉन्च किया है. उसका एक फेसबुक पेज है, इट्स कॉल्ड गेट वेल सून मुंबई. उसमें लोग
अलग-अलग जात के उनकी एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं और उनको क्या चाहिए उनके लिए हम मटेरियल बना के देते हैं दे कैन यूज इट ये पहला कैंपेन है अंडर गेट वेल सून मुंबई इट वाज लॉन्च्ड ऑन 11 जनवरी 2016 विद मुंबई पुलिस सॉरी विद थाने पुलिस वापस जाए नहीं वापस वापस रिवर्स वन मोर आगे तो ये उसका इनॉग्युरल इवेंट था आप देखते हैं इसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी थे पुलिस भी थे हमारा मैसेज ये है कि टेल द ड्राइवर नॉट टू हॉन्क क्योंकि कोई भी ड्राइवर हो सकता है आपका रिक्शा ड्राइवर हो सकता है आपका टैक्सी ड्राइवर हो सकता है आपके फादर हो सकते हैं हस्बैंड हो सकते हैं आप खुद हो सकते हैं बट आपको ड्राइवर को ये कहना है प्लीज डोंट हॉन्क आप खुद के सेहत को भी खराब कर रहे हैं आप दूसरे के सेहत को भी खराब कर रहे हैं और जब बच्चे ये मैसेज लेंगे और जब पुलिस ये मैसेज लेंगे उससे काफी फर्क होगा तो दिस इज द बिगिनिंग ये उसके कुछ हमने मटेरियल बनाए थे जैसा मैंने कहा ये सब फ्री में हमारे पास आ गए हम उनसे बात किए उन्होंने बना दिए ऐसे हमने टैक्सीज पे रिक्शास पे सब चीज पे लगाए हैं उसका एक वीडियो है प्लीज पुट द वीडियो ऑन नो पुट द वीडियो ऑन आप ब्लैंक स्लाइड पे जाएंगे ना तो उसके ऊपर क्लिक करिए देयर इज अ इट्स अ वीडियो हाँ उधर नीचे गो डाउन हाँ गो डाउन गो डाउन जस्ट गो डाउन इफ यू गो डाउन यू विल सी दैट वीडियो बार ऑन द स्लाइड एनीवे आई थिंक वी आर गोइंग टू मिस दैट गो अहेड So the citizens noise map, anybody can download. किसी को भी एक अपने फोन पे एक फ्री ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका नाम है नॉइज वॉच आप नॉइज वॉच डाउनलोड करके आप डेसिबल रीडिंग ले सकते हैं आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारे ये गेट वेल सून मुंबई एक फेसबुक पेज पे कर सकते हैं तो हमें एक मैप प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुंबई सिटी में कितने सिटीजन्स ने डाउनलोड किया और नॉइज रीडिंग लिया किसने कंप्लेंट किया और किधर है वो तो हमको मालूम पड़ेगा कि बांद्रा वेस्ट में ये जगह में इतना नॉइज है ऑन दिस डेट दूसरी जगह दादर में इतना तो कोई भी कर सकता है एनी सिटी दिस ये पेज को यूज करने के लिए है और मुझे लगता है ये आप जैसे बच्चों के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया रिलेटेड कैंपेन तान मायने कहते हैं कि इन द मिडल ऑफ द सिटी लोगों ने कंप्लेंट किया तो जो उधर लोग रहते हैं तो भी बोलते हैं रैली तो इधर ही होनी चाहिए तो लोगों ने कंप्लेन करके बहुत मुश्किल से कोर्ट में जाके दे गॉट कोर्ट ऑर्डर्स ये अशोक रावत हैं जो कि शिवाजी पार्क को साइलेंट जोन डिक्लेयर किया है उन्होंने उनके पीआईएल से ये डिक्लेयर हुआ है सब लोग वॉलंटरली पार्टिसिपेट करते हैं आप देखते हैं कि जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं तो एक अजीब बात है कि जो एक मुंबई में सब में बड़ा नवरात्रि मंडल है उनको जबकि नॉइज ऑर्डर आया तो वो काफी नाराज थे कि क्यों हम 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाते इमीडिएटली जब नवरात्रि खत्म हो गई उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारी बेटी को एक कॉलेज की प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमको चाहे कि वो नॉइज पोल्यूशन पे करे और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली 10 o'clock एवरी ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं डेसिबल लेवल्स विद इन कंट्रोल एंड सच्ची मुझे ये कहना है कि इट्स अमेजिंग कैसे ये गुजराती कम्युनिटी ने वॉलंटरली दो कम्युनिटीज ने वॉलंटरली ये किया मुंबई में गुजरातीज एंड क्रिश्चियंस ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ हमने फायर क्रैकर की नॉइज टेस्टिंग की थी इसके बाद फायर क्रैकर की जो पीक डेसिबल लेवल थी वो काफी कम हो गई है ये बच्चों ने फिर से अन्ना सेज नो टू करप्शन वी से नो टू पोल्यूशन ये अगेन कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट दीज आर बीएमएम स्टूडेंट्स जो के मास मीडिया स्टूडेंट्स उन्होंने ये प्रोजेक्ट करके उनका खुद का फेसबुक पेज के मैं जिसको जो भी मुझे अप्रोच किया है आई हैव गाइडेड देम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने खुद से किया है लीगल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 2002 टिल टुडे उसका खर्चा भी इन्होंने पूरा लिया है एंड जो सीनियर लॉयर्स सब उनको सपोर्ट करके एंड वी हैव मैनेज्ड टू रीच द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट हर एक कोर्ट
helipads, which Mumbai already our noisiest city in the world already hai. Abhi hum chah rahe hain ki hum helipads banaye rooftops pe, to hamari kya halat hogi malum nahi. ये एक चेतन उपाध्याय करके है. एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि आप मुझे पहचानते नहीं हैं, बट मैंने आपकी वेबसाइट पूरी पढ़ी है और आप मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो पढ़ने के बाद उसने बनारस में नॉइस पोल्यूशन का लिया और उसने हाई कोर्ट में गया, उसने पुलिस से किया और उसने सक्सेसफुली नॉइस को बंद कर दिया बनारस में. तो बोला मैं आपको फोन नहीं करना चाह रहा था अंटिल आई हैव सक्सीडेड. सो मैंने करने के बाद मैं आपको फोन कर रहा हूँ आपको बताने कि मैंने आपके वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेके मैंने खुद से पूरा कर लिया है. दूसरी जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के आप बोले कि एक अर्बन इश्यू है, एक रूरल इश्यू भी है, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल सामने शुरू हुई. मुझे लगा एक बहुत छोटी सी बात है, मैं करूं या ना करूं टाइम नहीं हो, बट बाद में जाके और ये एक इंटरनेशनल इश्यू बन गए है. नॉइस पोल्यूशन से भी ज्यादा बड़ी, जो कि मुझे पता भी नहीं था और किसी को नहीं पता था. तो मैं ये बहुत जल्दी बोलूंगी. आप देखेंगे ये थाने में है, थाने क्रीक, इधर रेती निकाल रहे हैं फ्रॉम द क्रीक और उसके पीछे बिल्डिंग्स हैं जो कि ये रेती से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज विद इन सिटी लिमिट्स हो रहे हैं. ये बीच पे है, तो एक बहुत खूबसूरत बीच है कॉल्ड कीहिम बीच, जहां के पहले ये सैंड माइनिंग की इश्यू शुरुआत हुई, बिकॉज मैंने उधर देखा कि ये हो रहा है और ये आज तक भी है. मेरे पास 2-3 दिन पहले के फोटोग्राफ्स है, ये चल रहा है कि बीच पे इसकी वजह से काफी कुछ नुकसान हो रहा है. जबकि इससे नहीं बस पड़ता है तो उन्होंने मैकेनाइज्ड ड्रेजिंग चालू किया है. मैकेनाइज्ड ड्रेजिंग साल भर चालू रह सकता है 24 आवर्स अ डे और वो एक बहुत जल्दी से बहुत क्वांटिटी सैंड खींच ले सकता है. कोई जगह में ऐसे हो चुका है कि जो रेती का 6 से 8 फुट की डेप्थ थी, लोग उधर जाके और फिशिंग करते थे, आज 100 फीट से ज्यादा है और उधर इतनी भी रेती नहीं बची है कि उनके खुद के गांव के घर बना सके. तो ये हालत में उनके जो खारा पानी है हैज गॉन इन टू द वॉटर, तो उनका ग्राउंड टेबल खराब हो गया है, उनके पास पानी नहीं है, उनको वो खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खेती का पूरा खारा हो गया है और उनकी जमीन खराब हो रही है. तो वो जमीन इज दे आर लूजिंग लैंड. जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हमारी जमीन चले जाएगी, तो हमको उसके लिए रुकने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम खुद के हाथ से सैंड माइनिंग करने के साथ वो काफी जल्दी ये काम हो जाएगा. तो ये मेरे साथ एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट आए थे जब हम वो पहली बार गए थे मैकेनाइज्ड ड्रेजिंग देखने, और इमीडिएटली जबकि वो देखे कि हम फोटोज ले रहे हैं, जो पहला फोटो मैंने मैकेनाइज्ड ड्रेजिंग का दिखाया, तो ये हुआ, हमको अटैक हुआ और हमारी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ. उन्होंने हमको कोशिश किया कि एक ब्रिज के 100 फुट ड्रॉप हमको नीचे डाल देवे. एंड मोस्ट शॉकिंग कि ये होने के बाद पुलिस के सामने उन्होंने खींचा हम लोग को गाड़ियों में से, कैमरा छीनने की कोशिश किया, सब कुछ पुलिस के सामने. जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी फॉर रैश ड्राइविंग. और ओनली जबकि उनको ये समझ पड़ी कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ एक जर्नलिस्ट है और वो जर्नलिस्ट को अथॉरिटीज को रीच करना, हायर अथॉरिटीज, बहुत ही आसान बात है, तो उन्होंने उसको चेंज किया. उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे ये दिस मैटर वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी कुछ कहा कि कोई भी सिटीजन हो ऑफ दिस कंट्री, उसका हक है कि अगर आपके सामने कोई इलीगल बात हो रही है तो आप वो उसके बारे में बात करो, आप उधर जा सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, आप बोल सकते हैं अथॉरिटीज को ये हो रहा है. ये होने के बाद मुझे पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ये सैंड माइनिंग करूं या नहीं, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी विथ नॉइस पोल्यूशन, बट ये अटैक होने के बाद मुझे पक्का लगा कि ये तो मुझे करना ही करना है. और मैंने हाई कोर्ट में ये फाइल किया PIL. ये मेरी बेटी ने एक लिखा है, उसका एक कॉलेज प्रोजेक्ट जैसा उसने लिखा, द लिंक बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सैंड माइनिंग इन एंड अराउंड मुंबई. ये पहली बार थी जबकि कोई खुला आके बताया कि मुझे अटैक हुआ है और इसने अटैक किया है, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और उसने ये रिपोर्ट बनाया, मेरी बेटी ने.
जब उस हमने एक ग्रुप बनाया मुंबई में मित्रा मूवमेंट अगेंस्ट इंटिमिडेशन थ्रेट एंड रिवेंज अगेंस्ट एक्टिविस्ट्स और ये है सतीश शेट्टी जो कि पुणे में उनका मर्डर हुआ फॉर यूजिंग आरटीआई टू फाइंड आउट अबाउट लैंड इरेगुलरिटीज हमने एक ग्रुप बनाया कि जो हमको थ्रेटन करता है वो सब साथ में है वो सब जुड़े हुए हैं पूरा पावर उनके हाथ में है और हम काम करते हैं अकेले वी वर्क हमारे पास ना पैसा है ना कुछ भी है हमारे पास खाली एक चीज है वो कि कन्विक्शन तो हम अगर कन्विक्शन से काम कर रहे हैं और हम अकेले कर रहे हैं तो वी आर थ्रेटन्ड और हमको ये हम साथ में जुड़ना है और हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है ये सैंड माइनिंग के बारे में दिस इज द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूएन कन्वेंशन जो कि हैदराबाद में हुआ इन 2012 तो हमने कहा कि हम सैंड माइनिंग के बारे में एक इवेंट करते हैं तो हमको परमिशन मिली और हमने किया और मुझे एक शॉक लगा कि ना कि मुझे जो लगा था कि एक लोकल इश्यू है मेरे घर के सामने एक्चुअली इट्स अ नेशनल इश्यू और जिसने भी ये देखा हमारा प्रेजेंटेशन उसने कहा कि हमारे देश में भी हो रहा है ये पर हमको कभी पता नहीं चला कि सैंड माइनिंग इतनी एक खराब चीज है पर आप बोलते हैं तो हमको दिखता है हमारे जगह भी बहुत खराब हो रहा है बहुत नुकसान हो रहा है और किसी को पता नहीं है जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को मैंने मिला तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यूएन के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है अबाउट सैंड माइनिंग ऑल्दो सैंड माइनिंग इलीगली हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और कोई देश है जैसे कि वियतनाम है इंडोनेशिया है कंबोडिया है जो कि जीडीपी अफेक्ट हो रही है क्योंकि सैंड माइनिंग इतनी हो चुकी है इलीगली कि उनके बॉर्डर्स में नुकसान हो रहा है ये एक सैंड माइनिंग साइट है थाने में आप देख सकते हैं ये बच्चा 13 साल का है मैंने उससे बात की कि कितने साल से कर रहे हो तो बोला 3 तो मैंने कहा आप 3 साल से ना 10 साल से एक सैंड माइनिंग का काम कर रहे हो तो उसने कहा हाँ तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो तो बोले मैं स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ता था तो लोग बोले आपका दिमाग ठीक नहीं है और आप बीमार पड़ते हैं बहुत बहुत मिस किया क्योंकि बुखार आता था तो फिर बोले कि ठीक है स्कूल में नहीं पढ़ सकता है तो जाके सैंड माइनिंग का काम करो तो मैंने कहा मेरा भी एक बेटा है और वो जब को उसको बुखार आता है तो मैं उसको घर में रखती हूँ मैं उसको रेती निकालने के लिए नहीं भेजती हूँ धूप में और बहुत ही हार्ड काम है ये आप देखेंगे कि जो मैनुअल सैंड रेजिंग कहते हैं ये मुंबई शहर के प्रैक्टिकली विद इन लिमिट्स है और लोगों को पता ही नहीं कि ये हो रहा है ये लोग डाइवर्स हैं उन्होंने 50 फुट की डेप्थ तक कोई इक्विपमेंट के बिना कोई सेफ्टी रोप कुछ भी नहीं वो एक हाथ से ऐसा रस्सी पकड़ते हैं दूसरे हाथ से बाल्टी पकड़ते हैं नीचे जाते हैं और इतना केमिकल पोल्यूशन है वो नदी में कि मैं तो मेरा पाँव भी नहीं डालूं अंदर बट वो अंदर जाते हैं एक हाथ से बाल्टी में रेती भरते हैं और वापस आते हैं अगर वो एक मिनट से ज्यादा टाइम ले तो उनका सांस नहीं रह सकता है बिकॉज दे हैव नो इक्विपमेंट हम स्कूबा डाइविंग जाते हैं हम पीठ पे टैंक लेते हैं वो मास्क पहनते हैं इन लोग के पास कुछ नहीं होता है और ये काम कर नहीं सकते हैं जब तक वो शराब पिए हो बिकॉज इट इज टू स्ट्रेन्यूअस तो उन लोग दे ड्रिंक दे गो ऑन दिस क्रीक उधर एक बहुत स्ट्रांग करंट रहता है बिकॉज टाइडल क्रीक है जबकि हाई टाइड होती है तो वो जा ही नहीं सकते और कई लोग का एक्सीडेंट होता है मर जाते हैं तो किसी को पता नहीं ये आप देखेंगे वही बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा है वो रेती लेके तो उसके बदले में कोई लोग ने सोचा कि मैनुअल ड्रेजिंग का परमिशन है पर हम मैकेनिकली कर ले बहुत आसान हो जाता है ये एक सक्शन पंप है उधर लोग की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है खाली एक छोटी सी पाइप आप डाल दो नीचे वो खींचते रहता है सैंड इससे आपको नुकसान जो पर्यावरण को नुकसान है वो इतना जल्दी होगा कि कोई कोई एरियाज में से उनको हटके दूसरे एरियाज ढूंढना पड़ रहा है थोड़े दिनों के बाद ये नहीं होने वाली इस रेती हमको सबको पता है कि रेती की जरूरत है फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर जीडीपी ग्रोथ हम स्मार्ट सिटीज बनाने वाले हैं हम कोस्टल रोड बनाने वाले हम एयरपोर्ट बनाने वाले कहाँ से आने वाला है क्योंकि रेती तो फाइनाइट होती है ऐसा नहीं कि चाहिए उतनी है नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं पुलिस आके जा रहे हैं किसी को पता परवाह नहीं है नेक्स्ट ये बीच की इफेक्ट्स आप देख रहे हैं मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग के को ठहरने की जरूरत ही नहीं है
और सैंड माफिया उसको क्यों कहते हैं? Because they are violent. और across the whole country, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर उनके पास जाओ, तो उनका मर्डर होता है और हो चुका है. Next. ये हमने एक मूवी बनाई थी. It's an international film called Sand Wars. ये उनके फ्रेंच डायरेक्टर हैं. ये सब जगह दिखाई दी, इंक्लूडिंग यूएन. और यूएन ने ये मूवी देखने के बाद, यहाँ भी उसने उनने शूटिंग की थी, और मेरा भी उसमें कुछ कहना है थोड़ा बहुत. ये मूवी देखने के बाद यूएन ने एक एडवाइजरी निकाली है अबाउट सैंड माइनिंग इंटरनेशनली, तो ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया. तो सैंड माइनिंग अभी सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि ये रेती बस नहीं पड़ने वाली जो हमारे प्लान्स हैं. तो क्या करें? दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, कि हमारे पहाड़ों को तोड़ दे के और उसकी रेती बनाए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर नवी मुंबई. हम वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको संभालने की बहुत जरूरत है, बिकॉज हमारा जो क्लाइमेट है, रेनफॉल है, सब कुछ ये एरिया का है, वो ये पहाड़ों की रेंज होने से कंट्रोल हो रहा है. अगर आप उसकी ये हालत करोगे तो पता नहीं क्या होने वाला है. ऑलरेडी वी आर सफरिंग अ ड्राउट सिचुएशन. ये कोई लोग हैं जो मेरे साथ सैंड माइनिंग में लोकली काम कर रहे हैं. तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. हम पुराने बिल्डिंग तोड़ के नए बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये जो हमारे पास डिब्री है जो कि निकलता है, हम फेंक दे रहे हैं. कोई उसको निकाल के और कोई लैंडफिल में डाल देते हैं, वो लैंडफिल का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लैंडफिल में से पोल्यूशन हो रहा है. मुंबई में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, लोगों का सेहत काफी सफर हो रहा है, बट हम वहीं डालते हैं, उधर सब मिक्स करते हैं, सब कुछ जात की चीजें. अगर हम ये डेब्री को रिसाइकल कर सके तो उससे कुछ, समझो 20% भी हमारा नीड्स उससे मिले, तो उतना हमको रेती की और पत्थर की जरूरत कम होगी. तो हम क्यों ये सब सोल्यूशन सोचते नहीं है? ये हो रहे हैं दूसरी जगहों में, रिसाइकलिंग. तो दूसरी जात की रिसाइकलिंग, ये प्लास्टिक का है जो कि हमारे बीचेस, मरीन लाइफ को नुकसान कर रहा है. जानवर खाते हैं ये प्लास्टिक को, इसको बर्न करते हैं, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है. टाटा नगर में, जमशेद नगर में, यही प्लास्टिक से उन्होंने पूरा रास्ता बनाया है. अगर हम रास्ते प्लास्टिक से बना सकते हैं रिसाइकलिंग करके, तो सबके लिए अच्छा नहीं होगा? हम ऐसे चीजें सोच सकते हैं. इधर जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्ट्रीम्स में जाएंगे, कोई सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कोई कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, बट इसमें से दे आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बिजनेस, कि हम दोनों साथ में चल सकते हैं. आप कमर्शियल भी सक्सेस बन सकते हो, आप सोशल भी सक्सेस बन सकते हो. ये दीज आर द वेज ऑफ द फ्यूचर, कि आप रिसाइकलिंग करिए, आप रॉ मटेरियल्स जो है आप रिसाइकल करके काम में लीजिए. थैंक यू. Any questions? Thank you very much. From noise pollution to sand mining, and of course, ma'am, you may please be here. We'll have a small round of question answer. Mitro Ganuj Rasprad Emnu, please sit down. ઘણું જ રસપ્રદ રહ્યું. સોશિયલ આંત્રપ્રિનરશિપ દ્વારા આપણે સમાજમાં કઈ રીતે પ્રદાન કરી શકીએ એમની એમને વાતો કરી. મિત્રો, જો તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો આપણે 2-3 પ્રશ્નો લઈ શકીએ, એટલો સમય છે. અને સૌથી પહેલા અમારા માનદ મંત્રી શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. તો નિખિલભાઈ મદ્રાસી. મેડમ, વોઇસ પોલ્યુશન કે બારે મેં મુજે એક વાત જાણની હૈ કે આપકી વાત સહી હૈ કે આપ આંદોલન કર રહે હૈ, લેકિન હમ સુરત મેં રહેતે હૈ, 12 બજે તક નવરાત્રી મેં यहाँ पर खेला जाता है, मुंबई में 10 बजे खेला जाता है, तो हमें तो ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. इतनी नॉइस पॉल्यूशन के लिए इतनी ज्यादा बूम क्यों आप लोग मारते हो? नंबर वन. नंबर टू, मेरे एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि निखिल, ये तुम जैन लोग का भरघोड़ा निकलता है, ये गणपति निकलता है, इतना वॉइस होता है. मैंने बोला, सर आपके पास 1 करोड़ रुपया है खर्च करने के लिए, लेकिन गणपति में जो जाने वाले जो लोग होते हैं उनको इसी में आनंद होता है कि वो 10 दिन इसी ढोली पे इसी पे बजा के नाचे. शायद वो 10 रुपए की पोटली मार के भी नाचेगा, तो उसको उसी का जीवन का यही आनंद, उसके पास दूसरा पैसा नहीं है. और उनके पास जो खुशहाली है, अमर दशा माँ का जब व्रत होता है तो सरगस निकलता है, उनके पास यही एक चारा होता है
तो इतना नॉइज पोल्यूशन के लिए आप क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं वो समझ में नहीं आता मतलब. अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ये सोचते हैं. बात ऐसी है कि कोई भी पोल्यूशन हो, अभी पहले हमें पता नहीं था ना कि एयर पोल्यूशन से हमको तकलीफ होती है. हमको बस ये मालूम था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले सकते, बट उसका क्या वजह था हमको नहीं पता था. आज नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है हमको पता है, और क्या होता है वो छोटी बात नहीं है, वो सीरियस बात है. अगर कल आप ब्लाइंड बन जाओगे तो आपको पता है कि आपके फ्यूचर करियर में बहुत तकलीफ होगी, पर आपको ये नहीं पता है कि आप डेफ बन जाओगे तो क्या होगा. अगर आप बाहर जाओगे काम करने, आपको सुनाई नहीं देता है, उधर लोग बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, आपको मीटिंग में नहीं सुनाई दे, तो क्या होता है. बिल्कुल बराबर बात है कि इधर 12 बजे तक किसी को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बात ऐसी है कि हमको एक आदत पड़ गई है कि हम बात भी करते हैं. आप देखोगे कि जब इंडियंस बात करते हैं, कोई भी इंडियन, तो हम जोर जोर से बात करते हैं. हमको आदत ही है कि हम सब चीज जोर से करें, और जब से बच्चा इन्फेंट हो, जब से हम उसको एक्सपोजर करते हैं कि उसको आदत पड़ जावे, बट उसको हमको ये नहीं पता है कि उसको आदत पड़ी है कि उसका सुनाई कम हो रहा है. आपने कभी हियरिंग टेस्ट किया है? जैसे कि हम आंख की टेस्ट करते हैं, मैंने किया है, और हमने मुंबई पुलिस की हियरिंग टेस्ट की. हमको ये पता चला कि 75% ऑफ ट्रैफिक पुलिस आर डेफ. क्यों? क्योंकि उन लोग खड़े रहते हैं उधर रास्ते पे, उनको हॉर्न का रात दिन सुनना पड़ता है. वो हर एक प्रोसेशन के साथ में जाते हैं, और ये उनकी चॉइस नहीं है. और हमने टेस्टिंग किया 75% पुलिसमैन, मुझे ये पता चला कि जो पुलिस ने टेस्ट किया उनको 90% मिला. तो अगर 90% लोगों को हियरिंग लॉस है, तो आप सोचो कि हम सब भी इसको एक्सपोज कर रहे हैं हमको. और अब जब ये कहते हैं कि जो जिनके पास पैसे नहीं, खास करके समझो जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जब मैंने शुरू किया तो लोग मुझे कहते थे दिस इज अ वेरी एलिटिस्ट सब्जेक्ट, कि आप ये कहते हैं कि गणपति बंद होना चाहिए, बट आप गणपति बंद होना चाहिए तो आप कह रहे हैं ना, वो जो गणपति मना रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं. तो मैंने कहा आप देखिए मुझे कितने कंप्लेंट्स आए हैं और किससे, इससे आपको पता चलेगा कि एलिटिस्ट है या नहीं. क्योंकि जो कंप्लेंट्स आए हैं वो करीब करीब 50% स्लम ड्वेलर्स से हैं, एंड 50% जो हम एलिट कहते हैं उनसे है. जो स्लम ड्वेलर्स का कहना है ये कि हम खाली 10 दिन करते हैं, बट आप लोग तो साल भर करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, हमारे आपके पास विंडोज हैं, आपके पास एसी है, आप अंदर जाओगे घर में, आप विंडो बंद करोगे, आप एसी चालू करोगे, हम कहाँ जाएंगे. तो मेरा कहना ये तो ठीक बात है, जब प्रीति जिंता ने बर्थडे पार्टी किया तो स्लम ड्वेलर्स ने कंप्लेन किया. तो ये मेरा कहना है कि दिस इज अ मेडिकल इश्यू, इट्स अ हेल्थ इश्यू. अगर स्लम ड्वेलर को नहीं पता है कि ये गणपति के टाइम या कोई भी वक्त, ईद के वक्त या के मस्जिद से या के कोई भी चीज से, अगर उनको ये पता नहीं है कि आवाज से उनके उनके हियरिंग तो कम ही हो रही है, बट उनके हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर उनको बाद में जाके खर्चा करना पड़ेगा ऑन हॉस्पिटल बिल्स, जो कि उनके पास नहीं है. हमारे पास शायद होगा कि आप जा सकते हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, आप इलाज कर सकते, उनका इलाज कौन करेगा, वो मर जाते, उनको पता भी नहीं, हमको कनेक्शन भी नहीं पता है. तो इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेटेड सिटीजन्स कि हम उनको सिखाएं, एंड फर्स्ट वी लीड बाय एग्जांपल. तो पहले तो मेरा यह कहना है कि किसी को भी कहने के पहले कि आप आवाज मत करो, पहले तो हमको खुद को करना है. मैं गणपति वाले को नहीं कह सकती हूँ जब तक मैं मस्जिदों को पहले कहूँ, और स्लम ड्वेलर प्रीति जिंता को नहीं कह सकता है जब तक वो नहीं करे, और प्रीति जिंता स्लम ड्वेलर को नहीं कह सकती है जब तक कि उसकी खुद की बर्थडे पार्टी नहीं कंट्रोल करो. बट हर एक को खुद से शुरू करना पड़ता है, और ये मैंने पहले भी कहा कि ओनली 2 कम्युनिटीज रिस्पॉन्डेड प्रॉपरली इन बॉम्बे, 1 इज गुजराती एंड 1 इज क्रिश्चियंस. दूसरे सब ये शुरू किया कि आप पहले. मैम दैट इज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन. एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आदमी के ईयर ड्रम के लिए व्हाट इज द सेफ रेंज ऑफ डेसिबल्स, यू नो.
According to World Health Organization report, जिसके ऊपर हमारा noise rules based हुआ है, not more than 85 decibel. अभी मैं आप shock होंगे, मैं बोलूँगी कि 85 decibel is the average decibel level on the road in Mumbai 24 hours a day. WHO कहता है, अगर आप 85 decibel के ऊपर exposure है, तो आपको hearing loss हो रही, आपका heart rate बढ़ रहा है, आपको mental illness हो रहा है, आपको cancer हो रहा है, और आपको पता नहीं है. हम अजब हो जाते हैं कि कितने लोगों को cancer हो रहा है आजकल. हमको पता है क्यों हो रहा है? हमने कभी कोई study की है, test की है? हमको पता है कि इसमें noise का भी हो सकता है? अगर हमको पता चलेगा कि ये बात है, आपको लगेगा कि 10 दिन चलेगा? नहीं चलेगा. Very true. Ma'am, one last question, and that is, if it is not an elitist issue, do you also propose to take up this noise pollution issue on against the very, very high decibel concerts also? You know, a lot of concerts have much more than 120 decibels. देखिए, ये जो कायदा है, it's for everybody. और मैं एक छोटी सी कहानी बोलूं कि जब मैंने शुरू किया, मुझे पता भी नहीं था कि जो पहले मुझे अपोज करेंगे, वो मेरे खुद के दोस्त, जो मेरे साथ बड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मिलते-जुलते थे. पहले ना तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि हमारा एक कॉन्सर्ट हो रहा है और गणपति को तो बंद करना चाहिए, क्योंकि गणपति इज वेरी अनोइंग टू अस. हम तो एक एलिट हैं, बट ये कॉन्सर्ट एक कल्चरल चीज है. तो मैंने कहा, कैसे आप कहते हैं कि कॉन्सर्ट कल्चरल होता है और गणपति कल्चरल नहीं होता है? मेरा तो ये कहना है कि गणपति का कल्चर बहुत पहले से शुरू है, जिससे कि कोई कॉन्सर्ट. तो मेरा ये नहीं कहना है कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या कल्चर है और क्या कल्चर नहीं है. अगर हम आवाज की बात कर रहे हैं, दैट नॉइज इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो इसकी आवाज हो या उसकी आवाज हो या कोई भी चीज की आवाज हो, आप कायदे के अंदर चलिए. मुंबई में ये कोई भी कॉन्सर्ट हो या कुछ भी हो, नहीं चलता है. वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. फॉर द वंडरफुल मूवमेंट यू आर रनिंग, आप इसी मूवमेंट में आगे बढ़ते रहिए, और कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे इस मूवमेंट के लिए. थैंक यू. आई होप कि सूरत में अभी आप कुछ करोगे. आप कुछ भी करिए, डजंट मैटर, आप नॉइज करिए, साउंड माइनिंग, आप कुछ भी करिए, बट बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जो कि गिव बैक टू सोसाइटी. Start with something which is close to your house, close to your heart. कुछ भी हो सकता है. आप देखें कि एक झाड़ को plant करना है, आप ठहरिए मत कि आप किसी को बुलाओगे, municipality को बुलाओगे, आप करिए. आप कुछ भी देखोगे, spitting हो रहा है, आप, it doesn't matter कि आप कौन से subject पे करो, जरूरी ये है कि आप करो. Thank you very much, madam.